लेडी श्रीराम कॉलेज दिल्ली के पूर्व चेयरमैन रह चुके डॉक्टर भरतराम के यादगार में स्पोर्ट्स मीट का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। हर वर्ष के तरह इस वर्ष भी डॉक्टर भरतराम स्पोर्ट्स मीट किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस आयोजन के गेस्ट ऑफ ऑनर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट कुलदीप वत्स थे। इसके अलावा इस आयोजन में प्रिंसिपल सुमन शर्मा और प्रोफेसर मीनाक्षी पाहुजा ने भी शिरकत की। मीनाक्षी पाहुजा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित भारत की पहली महिला तैराक रही है। अपनी तैराकी के हुनर से इन्होंने विश्व के कई खेल परियोजना में अपना लोहा मनवाया है, साथ ही साथ राष्ट्रपति से पुरस्कृत भी किया गया है। ये बहुत पुराना है हमारा स्पोर्ट्स फेस्टिवल, लगभग कोई 20 साल से चला आ रहा है। जब हमारे कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर भरतराम की डेथ हुई तो हमने उनके ऑनर में, क्योंकि वो अपने ही टाइम के बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे हैं, तो हमने उनके ऑनर पे ये मीट को फिर नाम दिया। इस बार के स्पोर्ट्स मीट में कितने कॉलेज के बच्चे पार्टिसिपेट? लगभग 70 के करीब इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस और NCR यूनिवर्सिटीज। इंस्टीट्यूट दिल्ली यूनिवर्सिटी से बाहर के भी इंस्टीट्यूट? हाँ, इट्स अ डॉक्टर भरतराम ओपन स्पोर्ट्स मीट, दैट मींस अदर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी आल्सो। भरतराम ओपन स्पोर्ट्स मीट हर साल लेडी श्रीराम कॉलेज के तत्वावधान में कराया जाता है। इस मीट के दौरान कई तरह के खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें खेल की दुनिया में कई तरह के उभरते खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपनी खेल प्रतियोगिता का प्रदर्शन किया। इस आयोजन ने उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम किया, जहां खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला। इससे उनमें खास उत्साह भी देखने को मिला। लेडी श्रीराम कॉलेज ने बहुत अच्छा ये शुरुआत की है डॉक्टर भरतराम स्पोर्ट्स मीट। इसके अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं दिल्ली में NCR में, वो अलाउड होते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, एंड हर साल इनका एंट्री इंक्रीज हो रहा है। डॉक्टर भरतराम स्पोर्ट्स मीट 2020, आज हम लेडी श्रीराम कॉलेज में हैं। यहाँ पे कई तरह के हमको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हमको देखने को मिला है। मैम बताएगी ये कौन सा स्पोर्ट्स है? ये सर ये बास्केटबॉल ड्रिबलिंग है। अच्छा, इसमें इन 30 सेकेंड्स हमें जितना ड्रिबल कर सकते हैं उतना करना है। योगासनों को खेल के रूप में हमारे देश में मान्यता बढ़ रही है और अनेकों युवा इसमें आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। योगासन को अभी विधिवत एक खेल की मान्यता नहीं मिली है सरकार की ओर से, लेकिन फिर भी जो योग के क्षेत्र में आगे बच्चे आते हैं, इस प्रकार के सर्टिफिकेट लेते हैं, तो उनको आने वाले समय में जो योग के फील्ड में काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, आप देख रहे हैं कोचिज़ के रूप में या प्रशिक्षक के रूप में या इंस्ट्रक्टर्स के रूप में, तो उसमें इन सर्टिफिकेट्स को भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनके प्रदर्शन को, उनके अच्छी परफॉर्मेंस को रिकॉग्निशन दी जाती है। योग एक एक्सरसाइज नहीं है, ये शरीर मन और आत्मा को एक तार से जोड़ने का काम योग करता है। बट हम इसको जो जैसा है उसी हिसाब में हम समझा सकते हैं, और ये भी नहीं है कि ओनली यंग कर सकते हैं, ये बूढ़े भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, और जो बीमारी से ग्रस्त है, बेड में भी अगर कोई है वो भी कर सकता है, और धीरे धीरे उसका शरीर ठीक होने लगेगा। हर एक पार्ट बॉडी, इंटरनल बॉडी पार्ट और बाहर के जो है, दोनों को स्ट्रांग रखता है। मैं योगा में सिर्फ इसलिए है कि मेरा जो पढ़ाई के साथ जो एक एंग्जाइटी होती है और पूरा डिप्रेशन वाला मूड होता है, तो ताकि मेरा वो स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो जाए। बहुत सारे लोग डायबिटीज़, थायराइड जैसी बीमारियों से हम झूलते हैं या उलझते हैं, तो उसको दूर करने के लिए योगा इज़ द बेस्ट थिंग वी शुड गो फॉर। कोई भी हो आप, अगर योगा करोगे तो आप दिल्ली जैसे शहर में स्वस्थ रह सकते हो। योगा जो है एक ऐसी चीज़ है जो हमारे वेद शास्त्र मंत्र, इन लोगों ने इसको शुरू किया था और आज तक इसको करते आ रहे हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मुझे योगा करने का अवसर मिल रहा है और मैं योगा से परिचित हुई।
इसमें काफ़ी सारे 5-6-7 कॉलेज हैं जो अभी यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। ये इवेंट यूथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आज डॉक्टर भरतराम स्पोर्ट्स मीट है, सोशल ग्लोबल न्यूज़ की जो टीम है वो यहाँ पे आई हुई है, और यहाँ पे जो मीनाक्षी मैम का जो एक इनिशिएटिव है कि जितने भी कॉलेजेज हैं वहाँ से बच्चे को ढूंढ ढूंढ के और बच्चे को एक स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में आगे लेके आना है, और इसलिए भी आगे लेके आना है कि जो आजकल का जो जनरेशन है वो स्पोर्ट्स में नहीं आना चाह रही है, तो मैम जो है ये बहुत अच्छा काम कर रही है। कॉलेज लेवल पे स्पेशली आई थिंक काफ़ी मिसिंग है स्पोर्ट्स एक्टिविटी। इट्स ओनली फॉर आई थिंक स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट, बट आई थिंक इवेंट्स लाइक दिस ऑल्सो दे मेक श्योर दैट फैकल्टी इज ऑल्सो इन्वॉल्व एंड इट्स अ डे ऑफ फन। मतलब खुश हैं लोग, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है बॉडी में, तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक वी आर ऑल्सो इन वर्किंग विद द फिट इंडिया मूवमेंट, हम उसके साथ भी काम कर रहे हैं एक तरीके से। सो आई थिंक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव मुझे लगा। मैं लास्ट टाइम भी आई थी, लास्ट ईयर ऑल्सो आई पार्टिसिपेटेड। इट्स नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, इट्स जस्ट इन द स्पिरिट ऑफ पार्टिसिपेशन दैट लोग एक्साइटेड हैं स्पोर्ट्स को लेके, वही देखना, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। हमारी सोसाइटी में एजुकेशन, पढ़ाई, उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, सो आई थिंक स्पोर्ट्स को भी हमें उतना ही पुश करना चाहिए, बिकॉज स्पोर्ट्स इट्स नॉट जस्ट अ डिसिप्लिन बट इट्स ऑल्सो समथिंग विच विल कीप यू हेल्दी फॉर अ लॉन्ग टाइम। मीनाक्षी मैम सारे बच्चे के लिए एक इंस्पायर हैं, क्योंकि जो उन्होंने एक इंडिया में एक अपना जो एक अपना छाप छोड़ा हुआ है, उन्होंने जो उनसे बच्चे कुछ सीखना चाहिए कुछ। डेफिनेटली उनका इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम है, तो एक मिसाल है खुद में ही वो।